2007 से ऐसे ही है, हमेशा शिकायत की गई, सभासद से भी की गई, महापौर से भी की गई, कोई आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। विधायक से भी की? विधायक से भी की। तो आती आती कभी आई देखने, हालत देखने कोई आया? कोई नहीं आता। चलिए, आपके विधायक फेल या पास? विधायक फेल। फेल। विधायक ने तो वादा किया था, पूरा किया कि नहीं किया? विधायक विधायक कोई वादा पूरा नहीं कर रहा, ना सभा करना विधायक कोई नहीं। बाकी जो सरकार ने वादे किए थे उसको पूरा किया कि नहीं? पूरा नहीं किया। सफल रही या विफल रही? विकास कोई नहीं हुआ है, सिर्फ बातों में विकास है। 2007 से 12 तक जी मायावती ने जो विकास किया वो अखिलेश यादव नहीं कर पाया जी, और 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव ने जो विकास किया वो योगी भी नहीं कर पाया। तो कूड़े वाले आते हैं रोज? रोज नहीं आते थे। विधायक कौन है जानती हैं? नहीं, ये नहीं पता है। तो ये सड़क वड़क बनी है आपके गांव में? नहीं भैया, नहीं बनी। आप जानती हैं विधायक को? नहीं, कभी देखा? नहीं, मतलब पहचानती नहीं है। जब आएंगे नहीं तो पहचानेंगे, पहचानेंगे। सरकार ने कहा कि हमने विकास किए हैं, आपका गांव विकसित हुआ, गांव में योजनाएं सरकारी पहुंची, आप लोगों को मिली कि नहीं? नहीं, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अब की बार किसको चुनने वाली हो? अरे भैया, मोदी तो सबो न चुने जी। सही कर रहे हैं बड़े, सोनिया गांधी बढ़िया है। कांग्रेस और क्या काम? तो सरोजनी नगर विधानसभा का ये विद्यावर्ती प्रथम वार्ड है, ये है विकास विधानसभा सरोजनी नगर में। जरिए सरकार फेल या पास? फेल नहीं, ये पास ही हो गया। पास होगी सरकार? फेल या पास? सरकार तो जो है क्या बताएं। उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की होड़ है, सभी दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन हंगामा टाइम्स न्यूज दिखाने निकला है कि कौन बनेगा विधायक, वो जिसने ये सड़कें अभी तक बदहवास हालत में छोड़ दी है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, एक भाई साहब हमको रोकते लिए। भाई साहब, ये सड़कें कब से इस तरह की हैं? भैया सड़कें तो कब से, भैया हमको तो जानकारी भी नहीं पड़ेगा, अरे साल भर हो गया। साल भर हो गया। विधायक ने तो वादा किया था, पूरा किया कि नहीं किया? विधायक विधायक कोई वादा पूरा नहीं कर रहा, ना सभा करना विधायक कोई नहीं। तो इस बार किसको चुनेंगे? इस बार सपा। तो एक कार से भी लोग हैं या बाइक से भी लोग जा रहे हैं, सड़कों की जो हालत है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, लेकिन हालत जो है वो खराब है। कहने की बात है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। एक भाई साहब भी उन्हीं से पूछते हैं, भाई साहब सड़कें कब से ऐसी हैं, आते जाते हैं? बहुत देर से। तो कहाँ रहते हैं? एलडीए में। तो कौन विधायक हैं आप? हमारे यहाँ तो दूसरे है। कौन है? साथी सिंह। हाँ। तो सड़कों की जो हालत है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब की बार किसकी सरकार? अब देखिए किसकी सरकार आती है तो क्या बताया जाए। तो आपके हिसाब से जो सरकार ने वादे किए थे उसको पूरा किया कि नहीं? पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की तो होड़ है, लेकिन आखिर कौन बनेगा विधायक, इसको दिखाने के लिए हम निकले हैं सरोजनी नगर विधानसभा में। देखने की बात होगी कि आखिर विकास किस तरह का हुआ। ये देखिए लोग निकल रहे हैं, सड़कें खराब है, जब बरसात होती है तो लोगों की गाड़ियां यहाँ गिर भी जाती हैं, लोग यहाँ फंस भी जाते हैं। एक भाई साहब निकल रहे हैं कार से, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, भाई साहब कब से इस तरह की सड़कें हैं यहाँ पर? ये बरसात के बाद ये दिक्कत हुई। बरसात के बाद क्या कहना चाहेंगे, जो विकास के वादे सरकार ने किए थे उसको किस तरह से पूरा करने में सफल रही या विफल रही? विकास कोई नहीं हुआ है, बातों में विकास। तो सब दिखा रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हम दिखाने निकले कौन बनेगा विधायक। तो क्या लगता है इस बार बदलना चाहिए कुछ कि नहीं? नहीं बदलना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, काम नहीं हो पाया। 2007 से 12 तक जी मायावती ने जो विकास किया वो अखिलेश यादव नहीं कर पाया जी, और 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव ने जो विकास किया वो योगी भी नहीं कर पाया। ठीक है भाई, ठीक है। तो साफ तौर पर कौन बनेगा विधायक, सरोजनी नगर विधानसभा में हम निकले हैं और दिखाएंगे कि आखिर किस तरह की विकास की गंगा इस विधानसभा में मौजूदा विधायक ने बहाई। तो ये है सरोजनी नगर विधानसभा के एक मोहल्ले रजनीखंड या रुचिखंड शारदा नगर का, रजनीखंड एक बटे में इस वक्त हम हैं, और ये सड़कें हैं वार्ड की। यहाँ के पार्षद जो हैं राम नरेश रावत हैं, बीजेपी के, कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, 22 में चुनाव है, लेकिन सड़कें जो गलियों की हैं वो अभी तक बन नहीं पाई। अब देखने की बात होगी कि आखिर कौन बनेगा विधायक। अब यहाँ की जनता भी है, उनसे भी हम बात करेंगे।
पहले तो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की जो हालात हैं सड़कों के वो किस तरह के हैं, पिछले 5 सालों में किस तरह का विकास कार्य हुआ और आखिर किस तरह के हालात सड़कों के अभी तक हैं। यहाँ पर शायद कोई जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आता कि आखिर सड़कों की हालत कैसी है। सरकार बोलती है कि हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, मेन रोड की भी हालत हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सड़कें जो है बदहवास हालत में है, मेन रोड की वो हालत है और जो गलियों की रोड है उसकी हालत बद से बदतर है। यहाँ पूरी रोड बनी नहीं है, शायद लंबा समय बीत चुका है, टूटी फूटी रोड यहाँ पर पड़ी हुई है। एक लोग देखिए चैम्बर की सफाई वफाई भी करवा रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कट कर दिए दिखाई बस थोड़ा सा लो। लेकिन कौन बनेगा विधायक जिसने काम किया या जिसने सिर्फ वादे किए। राजधानी के रजनीखंड मोहल्ले में 1/2 में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी भी हैं, तिवारी जी हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, कब से ये सड़क खराब है, कितनी शिकायतें की, क्या हुआ? 2007 से ऐसे ही है, हमेशा शिकायत की गई, सभासद से भी की गई, महापौर से भी की गई, कोई आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। विधायक से भी की? विधायक से भी की। तो आती आती कभी आई देखने, हालत देखने कोई आया? कोई नहीं आता, कोई नहीं आया, कोई नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने जो वोट मिल रहा है उनको जरूरत मेहनत करने की, सरकार ने जो वादे किए थे कि हमने विकास किए हैं, क्या लगता है आपके हिसाब से सरकार फेल या पास? नहीं, सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप इधर की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं। चलिए, आपके विधायक फेल या पास? विधायक फेल। फेल साफ तौर पर लंबे समय से यहाँ की जो गली की सड़क है ये खस्ता हालत में है। सरकारों ने तो बड़े वादे किए, हम दिखाने भी निकले कि कौन बनेगा विधायक जिसने विकास किए या जिसने वादे किए। सरोली नगर विधानसभा में विधायक स्वाति सिंह है जो की मंत्री भी बना दी गई है, लेकिन शायद उन्हें इतना समय नहीं है कि वो जनता की सुध लेने आए। स्थानीय निवासी का कहना है कि जोन 8 में उसने कई शिकायत की, सभासद के पास कई शिकायत की, लेकिन सभासद भी इस गली की सुध लेने नहीं है। कैसी कैसा साथ और कैसा विकास सरकार कर रही है, हम आपको लगातार दिखाएंगे सरोनी नगर विधानसभा में। तो अब हम आ गए हैं सरोनी नगर विधानसभा के मोहल्ले रुचिखंड में, जहाँ ये 2/2 है। एक लोग भी है हमारे साथ, उससे ये जो छोटा सा तालाब बना हुआ है, ये गली का तालाब बना हुआ है, ये कब से है, ये तालाब कब कब भर जाता है, सड़कें कब से ऐसी हैं? काफी टाइम हो गया जी, कम से कम 4-5 महीने से ज्यादा हो गया। तो कभी किसी से शिकायत वगैरह नहीं की? ये है, लेकिन कोई आता ही नहीं यहाँ पर, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। तो यहाँ के जो विधायक है वो आई कभी सुनने? नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी नहीं आया। तो हम लोग कर रहे हैं कि कौन बनेगा विधायक, तो यहाँ की जो विधायिका है फेल या पास आपके हिसाब से विकास में? फेल। फेल मतलब काम नहीं कर पाई? नहीं, कुछ नहीं, इधर का तो काम रही, कुछ नहीं होगा रुचिखंड में, कहीं कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। पार्षद असद आते हैं कभी? सभासद कोई नहीं आता, कोई नहीं। तो शिकायत वकायत खूब की लेकिन सुनवाई नहीं? नहीं। ठीक है, तो रुचिखंड के लोग हैं ये, सेक्टर 3 जो 3/2 है ये, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये तालाब भर गया है और यहाँ पे लोग आ भी रहे, अभी 1-2 लोगों से हम पूछने वाले हैं कि कब से है ऐसी यहाँ पे। तो हम लोग कर रहे हैं कौन बनेगा विधायक, तो आपके हिसाब से विधायक फेल या पास विकास में? तो विधायक तो पास ही है। पास है अब इसमें नहीं, बरसात में होगी। तो 4-5 साल से लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही। हम तो 20 दिन निकले, अभी निकले, यहीं रहते हैं? यहीं रुचिखंड में। तो सड़क वड़क देखे हैं, क्या लगता है विधायिका पास या फेल? तो वो कुछ लोग बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर विकास की बात की जाए तो सड़कें बदहवास हालत में है। सरोनी नगर विधानसभा में विकास पर जनता का कहना है कि विधायिका फेल, लेकिन अभी ये सिलसिला खत्म नहीं है। अभी सरोनी नगर विधानसभा की कई मोहल्लों में हम जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर किस तरह का विकास हुआ है। सरोनी नगर विधानसभा के किला गांव में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ जो कूड़ा है उसका अंबार लगा हुआ है, जिसको जो पालतू जानवर है जो यहाँ घूमते हैं वो कूड़े को खाने के लिए मजबूर है। स्थानीय निवासियों का क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि हम दिखाने निकले हैं कि आखिर सरोनी नगर विधानसभा में विकास क्या हुआ और कौन बनेगा विधायक।
तो कहते आंटी हम से पूछते हैं ये कूड़ा कब से पड़ा है, कूड़े वाले नहीं आते हैं क्या यहाँ? अब भैया कूड़ा वाले आवत तो है, आते हैं लेकिन रात में लोग डर के भाग जाते हैं, किसको कौन कहे। कूड़े वाले आते हैं? आते तो हैं। विधायक विधायक आती हैं? अरे रोज नहीं आओ भैया, रोज आ जाते। क्यों फेंका गया है कूड़ा वाले? रोज नहीं आओ तो विधायक को सब झुक जाते हैं, सब गंदगी का पड़ा पड़ा सब झुक जाते हैं। हम तो क्या सफाई करी दुआरे मुहर सब साफ करी थी ना, और सब कूड़ा सब मत झूठे सब उड़ उड़ के वहाँ पर जाते हैं। और कूड़ा वाले रोज नहीं आओ दूसरे चौथे दिन आज आवरण तो लगा देखिए। मेरे बाद विधायक को जानती है आके? विधायक वही बिना रावत हुई है, सभासद बिना रावत। हाँ सभासद है वो। विधायक कौन है जानती हैं? मैं ये नहीं पता है। तो क्षेत्र की जनता यही नहीं जानती कि विधायक कौन है। दादी आपके किला गांव में विकास विकास हुआ है, सड़क वड़क बढ़िया बन गई है? आप बताइए सड़क वड़क बनी है आपके गांव में? नहीं भैया नहीं बनी। देख आप जानती हैं विधायक को? नहीं। कभी देखा? नहीं। कभी नहीं देखा, कभी आई नहीं इधर? जब आती तो हम लोग देखते नहीं जी, जब आती तो हम लोग देखते हैं। मतलब पहचानती नहीं है? जब आएंगे नहीं तो पहचानेंगे, पहचानेंगे। तो सरकार ने कहा कि हमने विकास किए हैं, आपका गांव विकसित हुआ, गांव में योजनाएं सरकारी पहुंची, आप लोगों को मिली कि नहीं? नहीं क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो अब की बार किसको चुनने वाली हो? अरे मोदी तो कब न चुने जी, बाकी जो नया बना वही चुने। ठीक है तो विधायक किसको चुनने वाली हो? अरे जो किस पार्टी को चुनने वाली हो? अब भैया जो सब यादव जी तो सब लोग झुक जाए, उधर झुकना पड़ेगा। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसको चुनोगी? अब जो आएगा देखा जाएगा भैया। सोनिया गांधी का सही करो बड़े, सोनिया गांधी बढ़िया है। कांग्रेस और क्या? कांग्रेस और क्या? तो किला गांव की जनता का कहना है कि यहाँ जो कूड़े का अंबार है, कभी कदार गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली, लेकिन लगातार नहीं आती। सबसे बड़ी बात कि क्षेत्रीय विधायक को वो पहचानती ही नहीं, किला गांव की जनता अभी ये तक नहीं जानती कि यहाँ की विधायिका कौन। अभी और भी दिखाएंगे कि आखिर क्या हालात है सरोनी नगर विधानसभा। मार्गदर्शन रहे बिमल तिवारी जो यहाँ के पूर्व पार्षद रहे या पार्षद इस वक्त होंगे, दिखाना चाहते हैं कि विकास के विकास की जो एक बोर्ड लगा हुआ है, विकास का जो पत्थर लगा हुआ है, वो किस तरह से सारी चीजों की पोल खोलता है। ये है विकास विधानसभा सलोनी नगर में। सड़कें बदहवास हालत में है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सरकार बोलती है कि हमने बड़ा विकास कार्य किया। सलोनी नगर विधानसभा में इस तरह है आपको कि किस तरह से सड़कों की हालत खराब है। ये किला गांव है और भी रास्ता है जो खराब पड़ा। भैया कहाँ रहते हो? हम यही सेक्टर जी में। सेक्टर जी में तो कब से इस तरह के हालात है? बहुत दिन हो गए हैं तो यहाँ पे ऐसे ही रोडे हैं पड़ी हुई। सेक्टर जी में ठीक ठाक है सर? हाँ सेक्टर जी में तो बढ़िया सड़क वड़क बनी है जी, हमारी गली तो सब एकदम। विधायक विधायक को पहचानते हो? विधायक हाँ यहाँ के हैं। कौन विधायक? विधायक हैं वो? विधायक नहीं है वो, सभासद हैं। सभासद तो विधायक को जानते हो कि नहीं? नहीं विधायक। सरकार के काम पे बात की जा रही, सरकार फेल या पास? फेल नहीं होगी, पास ही होगी। पास होगी, बहुत काम किया सरकार ने। हाँ बहुत सारा करा है, हमारी गली में तो बहुत सारा काम करा है सरकार ने। वैसे आपकी गली में काम किया है, मतलब इनका कहना है कि भाई सरकार सिर्फ पास है, लेकिन ये क्या है, कैसे कहें कि सरकार पास है? गड्ढा मुक्त सड़कें देने की बात कही गई थी, लेकिन गड्ढों में सड़क है भाई, सब क्या करें? गड्ढा मुक्त हो गई? नहीं यहाँ तो बारिश हो, यहाँ तो मैंने फिर कही इतना बारिश हो जाती है ना, जगह बारिश हो जाती है यहाँ, मान लो इतना अपना पेड़ में पानी हो जाता है, आने में रास्ता नहीं मिलता, निकासी नहीं है पानी, पानी निकासी बिल्कुल नहीं। तो सरकार फेल है पास? सरकार तो जो है क्या बताएं आप लोगों से, अरे आप बताइए। बहुत ही सरकार चल रही है, आप लोग भी देखना चाहिए, आप तो सरकार है, हम क्या करें। तो मतलब नहीं बोलेंगे कि फेल या पास। कल गांधी जयंती थी, विधायिका स्वाति सिंह झाड़ू लगाकर अपने घर के पास सफाई कर रही थी, दिखा रही थी कि स्वच्छता उन्हें कितनी पसंद है, लेकिन शायद उन्हें अपनी विधानसभा में स्वच्छता नहीं पसंद, इस वजह से गंदगी का अंबार और जल भराव की बड़ी समस्या से आम जन जूझ रहे हैं। आखिर कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से वार्डो में सड़कें गड्ढा मुक्त हुई या नहीं हुई, योगी सरकार के विकास की गंगा पहुंची या नहीं पहुंची। सहयोगी गिरिजेश के साथ मैं विक्रम फिर मिलूंगा किसी नए वार्ड में। नमस्कार।